हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्काउंट एंड रिबेट, दोनों के डिफरेंस के विषय में नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट एंड रिबेट के विषय में दी जाएगी। आज हम आपको क्लियर करेंगे कि डिस्काउंट क्या है और रिबेट क्या है। डिस्काउंट जो भी आप मार्केट प्राइस से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जो मार्केट प्राइस से कम आपको परचेजिंग वैल्यू को मिलते हैं, उसे हम कहेंगे डिस्काउंट। यदि आपको कोई भी मार्केट प्राइस या मार्केट 10,000 दिया गया, 25% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट अमाउंट इन द 2,500, जो परचेज इन पे योर अमाउंट 7,500 टू कॉल ऑफ द डिस्काउंट। या एक कंज्यूमर के लिए बेनिफिट होता है, ये कंपनी के लिए भी बेनिफिट होता है। कंपनी अपने लॉन्ग ड्यूरेशन में बल्क में अपने आइटम को सेल करती है, या अपने स्टॉक जो बचे हुए हैं वो स्टॉक को खाली करना चाहते हैं, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट उसे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगानी है, न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में नए परचेज करनी है, तो इस पर वह प्रोडक्ट हमेशा डिस्काउंट पे देती है। तो ये डिस्काउंट आपके लिए कितने प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट है आपके लिए ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आर गिवन इन द मैन्युफैक्चरिंग होलसेलर रिटेलर बट नॉट अवेलेबल इन द यूजर। दे यूजली अलाउड द बल्क परचेज, या कंज्यूमर कस्टमर को नहीं मिलता है, या आपके होलसेलर स्टॉकिस्ट रिटेलर को प्राप्त होती है बल्क परचेज। 1-2 यूनिट नहीं, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट अगर कोई परचेज करता है तो उन्हें हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट अगर आपके लिए, अगर आप 1,000 यूनिट आप परचेज करते हैं, तो अब इसमें अगर 10,000 पर यूनिट रेट है, तो 1,000 परचेज पर 1,000 पर यूनिट आपका डिस्काउंट होगा। तो अब पर यूनिट रेट हो जाएगी आपके लिए, सॉरी 1,000 प्रोडक्ट है और 10,000 रुपीज में परचेज करते हैं, तो 10,000 आपके लिए 1,000 का रिपीट, तो एक प्रोडक्ट की कीमत 9,000 आपको मानी जाएगी। नेक्स्ट है क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट अगर आपके लिए ये है कि आपको पैसे के संबंध में डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यदि आप ये परचेज करते समय क्वांटिटी डिस्काउंट में 1,000 यूनिट यदि आप परचेज करते हैं, तो 100 यूनिट आपको अलग से मिलेगी। तो आप कितना यूनिट परचेज किए, 1,100, 10,000 यूनिट अगर आप परचेज करते हैं, तो आपके लिए यदि आप यहाँ 10,000 परचेज करते हैं, तो आपको 1,200 मतलब 11,200 यूनिट आपको मिलेगी। तो ये यूनिट डिस्काउंट आपके लिए यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है आप क्वांटिटी डिस्काउंट हो गए। नेक्स्ट आपके लिए कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आप जानते ही हैं कि यदि आप 1 लाख का परचेज करते हैं, तो 10,000 ऑफ, तो परचेजिंग पावर इन द डिस्काउंट ऑफ द 90,000 इन सो। अगर 1 लाख का परचेज करते हैं, 10,000 आपके लिए डिस्काउंट है, तो इन दी सेल कैश डिस्काउंट, कैश प्राइस आपके लिए क्या हो गई, 90,000 इन सो ऑफ द कैश डिस्काउंट इन द पोजीशन। नेक्स्ट सो ऑफ द सीजनल डिस्काउंट। अभी आपका नए में त्योहारों में दीपावली आपके सामने आ रही है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हमारे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, होम अप्लायंस की एक अच्छी खासी सेल होती है। 2-व्हीलर ऑटोमोबाइल्स में भी, 4-व्हीलर में भी सेल होती है। कंपनियां अपना एक मैक्सिमम अपना एक सीजनल डिस्काउंट निकालती है, जो 10%, 5%, 20% डिस्काउंट होती है। जैसे अगर आपके लिए नेक्स्ट सीजन चेंज होने रहता है, तो सीजन के आधार पे भी डिस्काउंट होते हैं। जैसे अभी आप देख लीजिए, इस मौसम में अब धीरे धीरे आपके लिए विंटर शुरू होने वाली है, नेक्स्ट आपके लिए आएगी, तो अब उसमें आपका AC का काम नहीं करेगा, फ्रिज की हो, तो अभी इनको कंपनी एक बल्क में सेल करने पर एक मार्केट अपना बना देती है, और उसको 10%, 20%, 30% अमाउंट बेच देती है, क्योंकि वो आगे के सीजन में ये मार्केट का सेल नहीं होगा। जो नए सीजन में है, नए प्रोडक्ट रखती है। क्लॉथिंग आइटम में भी आप देखिए कि जब ठंडी के आइटम होते हैं, तो उनकी भी मार्केट कम। अब आप देख रहे हैं 2-3 साल में एक नई प्रचलन है, 28 फरवरी, कहीं कहीं 25-28 फरवरी, लास्ट फरवरी तक हम बापू बाजार कहते हैं। बापू मार्केट में क्या है कि आर विंटर कलेक्शन का सारे कलेक्शन एक साथ होते हैं, एक मैक्सिमम बेनिफिट डिस्काउंट पर सीजनल ऑफ देकर के
हम ऑल ऑफ द प्रोडक्ट को सेल करते हैं क्योंकि गर्मी के आइटम को हमें परचेजिंग करनी पड़ती है। शूज वगैरह का भी डिस्काउंट आपके लिए शो करता है, तो इसे हम आप कहेंगे सीजनल डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को हमने आपको बताया एक ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपको कंपनी हमेशा बल्क पर परचेज पर मिलती है। क्वांटिटी डिस्काउंट आपको रुपए में नहीं मिलेगी, उसके बदले में आपको आइटम प्राप्त होगा। कैश डिस्काउंट डायरेक्ट कंज्यूमर प्राप्त करता है। सीजनल डिस्काउंट ये टाइम टू टाइम त्योहारों के आधार पर या मौसम चेंज होती रहती है उस पर आपको प्राप्त है। बट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्लियर करना है रिबेट क्या है। कंपनी अगर आपके लिए 200 रुपीज का कोई भी प्रोडक्ट लेती है और इस पर 20 रुपीज आपको डिस्काउंट देती है, तो ये परचेज कितने की करती है? 180 रुपीज। 200, ध्यान दीजिए, कंपनी की एमआरपी ऑफ द प्राइस 200, बट डिस्काउंट अलाउड द 20 रुपीज एंड योर सेल ऑफ द परचेज ऑफ द अमाउंट 100, बट नॉट सेल ऑफ द गुड्स। कंपनी उसके बाद भी उस गुड्स पर सेल नहीं हो रही है, तो रिबेट उसने 30 रुपए और आप कर दिया और आपको कितने में प्रोडक्ट अवेलेबल कराई? 150 रुपीज। दिस इज द रिबेट ऑफ द अमाउंट, इसे हम क्या कहेंगे? ये 30 रुपीज आप, अब ये 30 रुपीज क्या है? लॉस है। ये 30 रुपीज आपका सेल से एडजस्ट होगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस में दिखाई जाएगी। हमेशा डिस्काउंट एक्सपेंसेस में दिखाया जाता है, लेकिन रिबेट हमेशा आपके लिए लॉस में दिखाई जाएगी। तो थैंक्स सो मच, आपने फुल वीडियो डिस्काउंट एंड रिबेट को देखा। आप अपने इस चैनल वी कामी लर्निंग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।